नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्टलाइट में। तो दोस्तों आईपीएल 2021 का मुकाबला शुरू हो चुका है और आज का मुकाबला जो कि राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जा रहा है। तो दोस्तों इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी और फील्डिंग के दम पर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आईपीएल से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबरें लाते रहते हैं। वहीं दोस्तों संजू सैमसन को एक शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हैं, तो ये वीडियो लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों करें बात इस मैच की, तो राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और ये साबित भी सही हो गया संजू सैमसन का फैसला, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शाह जल्दी ही आउट हो गए और साथ में रहाणे का भी विकेट जल्दी ही गिर गए। जी हां दोस्तों, इन तीनों बल्लेबाज को आउट किया जयदेव नाटकर ने। जी हां दोस्तों, इस मैच में जयदेव नाटकर ने कहर भरपाई स्पेशली दिल्ली के टॉप ऑर्डरों को अकेले ही समेट दिया। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने शानदार बैटिंग की और 32 बॉलों में 51 रन बनाए, लेकिन जब लगा कि ऋषभ पंत शायद बड़ी पारी खेल सकते उसी वक्त रियान परा के एक शानदार थ्रो ने ऋषभ पंत को पवेलियन भेज दिया। जी हां दोस्तों, इस तरह और भी मुश्किलों में घिर गई दिल्ली कैपिटल्स और बुरी तरह से रेंगते हुई नजर आई दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी। तो दोस्तों इस बात करें उसी तरह वहीं राजस्थान रॉयल्स का फील्डिंग तो शानदार रहा इस मैच में। संजू सैमसन जो कि बेहतरीन कैच पकड़े शिखर धवन को, जो कि इस साल का वीवो आईपीएल 2021 का सबसे बेस्ट कैच भी हो सकता है। वहीं दोस्तों रियान परा के भी एक शानदार थ्रो था, राहुल त्योहारी भी एक बेहतरीन कैच किए और ये दिखा दे कि इस वक्त वीवो आईपीएल 2021 का सबसे बेहतरीन फील्डिंग टीम भी है राजस्थान रॉयल्स। तो दोस्तों इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 147 रन ही बना सकी पहली बारी में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन यह मैच जीतेगा, दिल्ली कैपिटल्स या राजस्थान रॉयल्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों आपको लगता है कि यह मैच जीतेगा राजस्थान रॉयल्स, तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।